सोहना के केडीएम स्कूल सोहना में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आरबी शांडिल्य, जहां खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का बहुत जरूरी है। खेलों से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक संतुलन भी बना रहता है। उन्होंने कहा कि आज देश के खिलाड़ियों ने दूसरे देशों में डंका मचा रखा है। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर अनिल सैनी ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्कूल एथलीट कबड्डी, मटका रेस, खो खो, रस्साकसी आदि की प्रतियोगिताएं करवाई गई। गुरुग्राम से के नाइन मीडिया के लिए राजेश दोहन की रिपोर्ट। हमने 27 तारीख से 3 दिवसीय एक प्रोग्राम रखा था और इसमें कम से कम 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सभी बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए गए, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे। और हमारे स्कूल में क्रिकेट एकेडमी ऑलरेडी चल रही है। इस सेशन से हमने खो खो और दूसरे एथलेटिक गेम्स भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत हमारे स्कूल की ये है कि हमने गर्ल्स की एक क्रिकेट टीम नहीं चालू की, जो कि शायद पूरे गुरुग्राम में किसी भी स्कूल में नहीं है। मैम, क्या सभी बच्चे जिन्होंने बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, क्या सभी इसी स्कूल के थे, बाहर से भी बच्चे आए हुए थे? नहीं जी, इसी स्कूल के बच्चे थे, बस सिर्फ कुछ क्रिकेट एकेडमी के बच्चे, 3 बच्चे बाहर से थे, उनको भी हमने सम्मानित किया। तो इनाम का प्रावधान क्या था? उनको शील्ड दी गई थी उनको, बाकी सारे बच्चों को ही, जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया सभी में, खो खो वगैरह में भी कुछ हमारे जो ग्रुप वाइज टीम्स थी वो पूरी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।